नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस का मुजरिम आफताब आमीन पूनेवाला लगातार खुद को सजा से बचाने के लिए मास्टर प्लान बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि जहां एक और आफताब ने साकेत कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की और इसके बाद अब वो खुद इस बात से मुकर रहा है। जी हां, सूत्रों की माने तो आफताब का कहना है कि उसकी जानकारी के बिना ही उसके वकील ने ये याचिका दाखिल कर दी है। वहीं दूसरी ओर अगर आफताब आमीन पूनेवाला के वकील के बयान पर ध्यान दे तो यहां पर वो ये कह रहा है कि वो आफताब का वकील है और उससे पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि आफताब लगातार गेम प्लान करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आफताब के वकील अहमद खान का यह बयान सामने आया है कि वो आफताब से मुलाकात करेंगे और उसके बाद 22 दिसंबर को दिल्ली के साकेत कोर्ट में बहस करेंगे और उन्होंने ये भी दावा किया कि वो आफताब को जमानत दिलाकर रहेंगे। तो क्या आफताब अपने वकील के साथ मिलकर ऐसा गेम प्लान बना रहा है जिसके बाद वो जेल से बाहर निकल जाएगा? सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आफताब के खिलाफ कई चश्मदीद गवाह हैं, कई सबूत हैं, सुराग है, डीएनए रिपोर्ट भी है और उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद श्रद्धा का पोस्टमार्टम भी 22 दिसंबर से पहले हो सकता है। तो ऐसे में अगर इतने सारे सबूत और सुराग आफताब के खिलाफ हैं तो फिर आखिरकार आफताब को क्यों कॉन्फिडेंस है कि उससे जमानत मिल जाएगी? और जाते जाते हमारा आपसे ये भी सवाल है कि क्या श्रद्धा वालकर के केस के मुख्य आरोपी आफताब आमीन पूनेवाला को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ के साथ।